वेलकम टू अब्बास जोर ऑफिशियल। आज मेरे पास आई है 125। इसके अंदर सेल्फ कुप्पी मैं नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि अभी मिल नहीं रही मार्केट में, सेल्फ कुप्पी शॉर्ट हुई हुई है। मैं सेल्फ कुप्पी की जगह पे रिले यूज़ करने वाला हूँ। इंशाल्लाह इसकी आई वायरिंग भी आपको गाइड कर दूंगा कि आपने किस तरीके से लगाना है। सुजुकी GS150 हो गई, YBR हो गई, जितनी भी सेल्फ वाली गाड़ियाँ हैं आप उसके अंदर ये रिले यूज़ कर सकते हो सेल्फ कुप्पी की जगह पर, कोई इशू नहीं है। इसकी भी लाइफ बहुत अच्छी है जिस तरह से हमारी सेल्फ कुप्पी की लाइफ है। रिले लगाने के लिए सबसे पहले हमें वायरिंग समझ लेनी होगी। देखें यहाँ से एक आ गई हमारी ये सेल्फ की तार, ठीक हो गया। ये दो तारे जो हैं ये हमारे बटन की तार है, ये हमारा बटन लगा हुआ है। इसकी ये दो तारे मैं यहाँ नीचे लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये हमारी एक बैटरी की तार आ गई, यहाँ पर हमारी ये फ्यूज़ लग जाएगा, ठीक है। और ये हमारी माइनस की आ गई, और ये माइनस आपने बॉडी से इस तरह से लाजमी देना है। एक माइनस आ गया, एक बैटरी से आ गई, और दो ये बटन की हो गई, और एक ये सेल्फ की हो गई। फ्यूज़ लीड आपने लाजमी लगानी है इसके अंदर ना, ठीक है। अब मैं आपको वायरिंग आउट कर देता हूँ। इसकी वायरिंग आपने समझ ली, ये दो तारें जो हमारी बटन की है, एक तार जो इसमें से लगेगी हमारी जो इग्निशन स्विच से ब्लैक तार में वापस रिटर्न करंट आ रहा था इसमें एक लगा देंगे, ठीक है। बाकी एक तार हमारी लग जाएगी कटआउट के अंदर। अब रिले के जो दो छोटे पॉइंट है, एक हमारी बटन की इसमें लगा देंगे और एक इसमें अब लगाएंगे माइनस, जो ये हमारे बैटरी का माइनस है। एक तार हमने लगा दी ये ब्लैक वाली तार के अंदर, इसके अंदर हमें करंट मिल गया, ठीक है। जब हम बटन ऑन पुश करेंगे इसके अंदर करंट आएगा, ठीक है। इस तरह से चेक कर लेंगे इसको पुश करके बटन को, इस तरह से साउंड करना चाहिए। ओके, यानी ये काम कर रहा है। अब हमारे पास बचती हैं टोटल दो तारें, एक ये बैटरी की आ गई डायरेक्ट। और आपने तार अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। अब हमारे पास लास्ट तार बचती है जो कि हमारी ये सेल्फ में इसमें लगा देंगे। फाइनली ये कंप्लीट वायरिंग आपको समझ में आ गई होगी, ये कंप्लीट वायरिंग है। आप चेक कर लेते हैं, सेल्फ ऑन हो गया हमारा। अब जब हम इग्निशन स्विच बंद करेंगे तो सेल्फ हमारा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने जो ये तार लगाई है, ये तार जो बैटरी से हमारे स्विच से रिटर्न करंट आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा ये स्विच पे ही सेल्फ चलेगा। जब हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे उसके बाद सेल्फ हमारा ऑन होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।